ओ माय गॉड, ये क्या किया यूट्यूब ने। दोस्तों अब ना तो आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर पाएंगे ना ही प्रमोशन कर पाएंगे। दोस्तों यूट्यूब ने एक ऐसे फीचर को यूट्यूब से गायब कर दिया जिसका यूज करके हजारों यूट्यूबर वीडियो अपलोड करते थे, स्टेटस अपलोड करते थे, प्रमोशन करते थे, लेकिन अब ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो फीचर है इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड था यूट्यूब पर। अब इसको ढूंढ ढूंढ कर यूट्यूबर पागल हो रहे हैं, ये फीचर मिल ही नहीं रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कौन सा फीचर है और इसको यूट्यूब ने क्यों हटा दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सहानी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि YouTube पर अभी तक YouTube ऐप का इस्तेमाल करके यूट्यूबर या वीडियो क्रिएटर कौन कौन से फीचर का इस्तेमाल करते थे। तो इसके लिए दोस्तों हम अपना यूट्यूब ऐप ओपन करते हैं और यहाँ पर दोस्तों अगर हम प्लस के बटन पर क्लिक करते हैं तो क्रिएट में दोस्तों आप देख सकते हैं क्रिएट अ शॉर्ट्स, अपलोड अ वीडियो, गो लाइव, क्रिएट अ पोस्ट। यहाँ पर दोस्तों चार ही ऐसे ऑप्शन हैं जिसकी मदद से एक वीडियो क्रिएटर या यूट्यूबर जो है अपने कंटेंट को यूट्यूब पर पब्लिश कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही डिमांडेड फीचर था जिसका नाम था स्टोरी फीचर और इसका इस्तेमाल लाखों लोग करते थे और अब ये फीचर यूट्यूब से परमानेंटली हटा दिया गया है। और किस वजह से हटाया गया है यूट्यूब ने इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया है। दोस्तों अब आपको स्टोरी टैब या स्टोरी फीचर के बारे में बता देते हैं कि ये आपको कितने सब्सक्राइबर पर मिलता था और इसका इस्तेमाल करके आप यूट्यूब पर क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते थे। दोस्तों जो स्टोरी टैब था या स्टोरी फीचर था यूट्यूब का, ये 10,000 सब्सक्राइबर होने पर मिलते थे और आपका चैनल मोनेटाइज होता था तो आपको दे दिया जाता था। तो जिनके भी 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले थे अगर वो स्टोरी फीचर लेने का जो है इंतजार कर रहे थे तो उनका इंतजार धरा का धरा रह जाएगा क्योंकि स्टोरी फीचर उनको नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जिनके चैनल पर स्टोरी फीचर पहले से था वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनके भी चैनल से ये गायब हो गया होगा, वो जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि स्टोरी फीचर या स्टोरी टैब का इस्तेमाल करके लोग जो है अपनी वीडियो को वर्टिकल मोड में शूट करते थे और वहाँ पर जो वीडियो होती थी वो कुछ ही सेकंड की शूट होती थी और उसमें जो है स्टेटस लोग अपलोड करते थे अपने चैनल के बारे में या अपने बारे में वहाँ पर कुछ भी लोग अपडेट करते रहते थे। और साथ ही दोस्तों स्टोरी फीचर इतना ज़्यादा चर्चित फीचर था कि इसको पाने के लिए यूट्यूबर बेकरार रहते थे क्योंकि ये इतना ज़्यादा वायरल होता था। और आपको पता है कि स्टोरी पर ही आप अपनी वीडियो भी शेयर कर सकते थे, डायरेक्ट आप वर्टिकल में वीडियो शूट करते थे, वहाँ पर आप अपनी वीडियो का लिंक भी डाल सकते थे और जब ये वायरल होता था तो एक प्रकार से प्रमोशन भी हो जाता था। लोग इसका इस्तेमाल दोस्तों कुछ इस तरीके से करते थे कि दूसरे की भी वीडियो अपने ही चैनल पर जो स्टोरी में डालकर वायरल करते थे या शेयर करते थे जिससे कि प्रमोशन होता था। तो अब ये नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों बताते हैं कि इसको हटाने का क्या रीज़न है क्योंकि अभी तक YouTube ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हम जैसे जो कुछ YouTube क्रिएटर हैं वो कुछ ऐसी आशंका जता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, इसी वजह से जो है ये स्टोरी फीचर YouTube से गायब किया गया। तो समझ लीजिए, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। सबसे पहला रीज़न है दोस्तों कि ये जो है वर्टिकल मोड में मतलब कि एक शॉर्ट्स वीडियो की तरह ही शूट होता था स्टोरी फीचर। तो आपको पता है कि YouTube ने जो है YouTube शॉर्ट्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे दिया है और ये जब वायरल होता था तो यहाँ पर जो है ज़्यादा लोग अपलोड करते थे अपना वर्टिकल वीडियो। तो YouTube चाहता है कि अब जो है वो YouTube शॉर्ट्स पर जाकर वर्टिकल शेप में वीडियो बनाकर मतलब शॉर्ट्स ही अपलोड करें अपने चैनल पर, लेकिन स्टोरी में जो है कुछ भी स्टेटस ना डालें, तो इस वजह से ये गायब हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि लोग इससे प्रमोशन करने लगे थे खुद के वीडियो का दूसरे के वीडियो का, तो इस वजह से भी YouTube नहीं चाहता है कि जो भी प्रमोशन करना है आप YouTube शॉर्ट्स पर ही जाकर छोटी छोटी वीडियो बनाकर वहाँ पर प्रमोशन कीजिए, स्टोरी अब आपको नहीं मिलेगा। और अगला रीज़न दोस्तों लोग ये बता रहे हैं कि YouTube पर जो भी स्टोरी पोस्ट की जाती थी वो मोनेटाइज नहीं होती थी, जिसकी वजह से ना तो क्रिएटर को उससे बेनिफिट होता था और ना ही YouTube को उससे बेनिफिट होता था। मतलब कि आपको पता है कि जो भी हम वीडियो डालते हैं उस पर जो ऐड आते हैं उससे जो पैसे मिलते हैं उसमें से 45% YouTube खुद काट लेता है और जो बचा कुचा 55% होता है वो वीडियो क्रिएटर को दे दिया जाता है। तो आपको पता है कि स्टोरी फीचर YouTube को लग रहा था ये हमारे सर्वर पर लोड बन के बैठा है और इस पर जो स्टोरी लोग डाल रहे हैं वो इस पर न डालकर अपने शॉर्ट चैनल पर ही डालें या जो चैनल है उनका उसी पर शॉर्ट्स में डालें। और आपको पता है कि दोस्तों अब YouTube ने कमेंट में भी शॉर्ट्स से रिप्लाई देने का फीचर ला दिया है, मतलब कि आप किसी के कमेंट का रिप्लाई शॉर्ट्स वीडियो बनाकर दे सकते हैं। तो ये तमाम रीज़न हो सकते हैं स्टोरी फीचर गायब होने का। तो जो भी लोग स्टोरी का इंतजार कर रहे थे, स्टोरी टैब पाने का 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके इंतजार कर रहे थे,
वो रिलैक्स हो जाएं। अब आपको स्टोरी टैब YouTube पर देखने को नहीं मिलेगा, स्टोरी फीचर नहीं मिलेगा, ना तो आप YouTube पर स्टोरी लगा पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको स्टोरी फीचर और स्टोरी टैब के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि स्टोरी फीचर कितने सब्सक्राइबर पर मिलता था, इसको पाने के बाद हम क्या क्या कर सकते थे YouTube पर, और ये अब क्यों नहीं मिलेगा, कहाँ चला गया, तो सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।